अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ जो बीफ शामी कबाब की रेसिपी, जिस तरीके से आपको इस टाइम स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कितने रिश्तेदार हमारे कबाब बने, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से बनेंगे और उसके बाद आप इसको किस तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट आप इसको कितने दिनों तक यूज़ कर सकते हैं, वो सारा मेथड मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और इसको हम किस तरीके से प्रॉपरली फ्राई करेंगे कि उसको बहुत ज़बरदस्त सा इक्वल कलर आए और वो काले भी ना हो, बिल्कुल भी फ्राई होते हुए। चलिए हम करते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट। अच्छा, इस रेसिपी को आप बीफ और चिकन या मटन दोनों तीनों में बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल करूँ। यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 किलो के करीब गोश्त लिया है और इसकी बोटियाँ आप देख सकते हैं। इसको आपने छोटे चंक्स के अंदर तब्दील कर लेना, मतलब छोटा छोटा साइज़ कर लेना है। अब एक मैं देगची ली है, उसके अंदर तकरीबन मैं 2 किलो के करीब सारे का सारा जो गोश्त था वो शामिल किया है। दाल जो मेरे पास थी वो तकरीबन मेरे पास थी 1250 ग्राम, यानी कि 1 किलो, और साथ में 1 पाव मेरे पास दाल थी चने की जिसको मैंने भिगो दिया था। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर शामिल करी। अब मेरे पास कुछ गर्म मसाले हैं जिसमें है जी 1 तेज़पत्ता है, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, बादियान का फूल है, लौंगे हैं, कुछ काली मिर्चें, 1 तेज़पत्ता है। साथ ही हम यहाँ पर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा और तकरीबन मेरे पास 13 रेड बटन चिलीज़ थी। साथ ही हम यहाँ पर शामिल करेंगे नमक, अपने हसब ज़ायका इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने शामिल किया है रेड चिली पाउडर का, और बाकी सारे मसाले जिसमें है थी जी 1/2 टीस्पून हल्दी का था ये शामिल किया है। बाकी सारे मसाले जो हैं मैं स्क्रीन पर लिख दूंगी। अच्छा, इसके बाद हमने शामिल किए 1 छोटी सी प्याज थी, साथ में 5 से 6 जवे लहसुन के थे, और साथ एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया था अदरक का। उस इन तीनों चीज़ों को मैंने काट लिया था, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे शामिल किया। साथ ही मैं इसके अंदर पानी को शामिल करूँगी। अच्छा, पानी शामिल करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा मिक्स करूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर पानी की क्वान्टिटी जितनी मुझे चाहिए उतनी ही है कि कम है। मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया और उसके बाद मुझे यहाँ पर पानी की क्वान्टिटी कम लग रही थी, तो मैं यहाँ पर मज़ीद पानी को शामिल करूँगी। तो आपने इतना पानी शामिल करना है कि आपके जो इसमें गोश्त है और दाल जो है वो उसके अंदर अच्छे तरीके से डूब जाए, क्योंकि हम यहाँ पे प्रेशर कुकर नहीं लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैं मीडियम से लो फ्लेम पर इस मिक्सचर को पकने दूंगी। और हमारे पास जो पानी की क्वांटिटी है वो इतनी ही होनी चाहिए कि दाल और गोश्त अच्छे से डूब जाए, क्योंकि ये लो फ्लेम पर पकेगा और इसने इसी तरीके से गल जाना है। तो बस आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उसके बाद हम इसको चूल्हे पर रख देंगे जी पकाने के लिए। और कुछ देर के बाद आप देखेंगे ये इस तरीके का मिक्सचर आपका बन जाएगा, पानी इसके अंदर से ख़त्म होना स्टार्ट हो रहा है और ये आपका मिक्सचर जो बड़ा पतला सा हो जाएगा। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि नेक्स्ट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे जो पानी होगा वो ख़त्म होता जाएगा और आपकी जो दाल होगी और गोश्त होगा इसने अच्छे तरीके से गलना है इसी पानी के अंदर। अब कुछ टाइम के बाद मैंने दोबारा देखा था तो इसके अंदर जी पानी काफ़ी हद तक कम हो गया था, तो अब यह आपका मिक्सचर है बड़ा पतला सा लग रहा है। यही वो टाइम है जब हमने इसको यहाँ पर पीसना स्टार्ट करना है। पीसना हम इसे किस तरीके से मैश करेंगे, इसके लिए जी हमारे पास ये एक डंडा होता है जो हम कुंडी वगैरह में भी यूज़ करते हैं चटनी या डिफरेंट बनाने के लिए। आपने इसको अच्छे तरीके से मैश करना है कि इसके अंदर दाल थी और गोश्त था वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये उनके लिए है जिनके पास घर में मशीन नहीं होती है ये कबाब बनाने के लिए, तो आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। बस इस टाइम पे चूल्हा चल रहा था जिस टाइम पे मैं वो डंडा उसके अंदर चला रही थी और उसको अच्छे तरीके से पीस रही थी, मैश कर रही थी। तो कुछ टाइम के बाद वो पानी भी वहाँ से ख़त्म हो गया था और उसके बाद हमारे पास दाल भी अच्छे तरीके से, गोश्त भी मिक्स हो गया था और कुछ इस तरीके का टेक्स्चर था जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया एक बड़े से बर्तन के अंदर, क्योंकि वो बर्तन हमें छोटा पड़ रहा था। अब इसके अंदर मैंने शामिल किया जी 1 अंडा। अच्छा, अंडे मैं यहाँ पे क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैं यहाँ पे 2 अंडे भी शामिल कर सकती, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 अंडे का इस्तेमाल किया। वो क्यों इस्तेमाल किया आगे चल के बताऊँगी मैं आपको। और यहाँ पे तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिनको मैंने बहुत अच्छा चॉप कर लिया था, फ़ाइन चॉप कर लिया था, वो शामिल किए यहाँ पर। और उसके बाद जी धनिया है तकरीबन, पुदीना है और हरी मिर्चें, हरी मिर्चें 4 थी, चॉप थी, धनिया पुदीना ये भी दोनों चीज़ें हमारे पास चॉप थी, ये सारी चीज़ें शामिल की हैं। पुदीने धनिए से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, स्पेशली पुदीने का फ्लेवर शामी कबाब के अंदर बहुत ज़बरदस्त लगता है, मुझे पर्सनली पसंद है, तो मैं इसके अंदर पुदीना ज़्यादा ही शामिल करती हूँ। बस प्याज, धनिया, पुदीना और अंडा शामिल करने के बाद आप इसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि हमारी हर बाइट के अंदर ये सब चीज़ें आ जाए। और कुछ टाइम के बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सब मिक्सचर हमारा तैयार हो गया। अब आपने अपने हाथों को गीला करना है, हल्का सा गीला करना है, एक बॉल बनानी है इस मिक्सचर के अंदर से।
और यहाँ पे इस तरीके का कुछ आपके पास बॉल बन जाएगी। उसके बाद आपने दोनों हाथों से इसको फ्लैट कर देना है। फ्लैट करने के बाद आपको इसके जो किनारे होंगे वो थोड़े रफ़ लगेंगे, उसको आपने अपने दूसरे हाथ की हथेली से बहुत अच्छे तरीके से घुमा घुमा कर इसको बराबर कर लेना है, ताकि हमारे जो किनारे हैं वो अच्छे तरीके से सेट हो जाएँ और इक्वल शेप में आ जाएँ। आपको ये मिक्सचर थोड़ा सा पतला लगेगा क्योंकि हमने इसके अंदर अंडा शामिल किया है और उसके बाद हमने अपने मसाले वगैरह शामिल किए थे, धनिया पुदीना। लेकिन ये मिक्सचर जब आप इसको फ्रीज़ करेंगे ना बिल्कुल परफेक्ट करिए। यहाँ पे कुछ कबाब जो थे मैंने बनाए थे, मैं आपको फ्रेश बना के दिखा रही थी कि इस तरीके के आपका मिक्सचर जो होगा, आपके कबाब जो होंगे बनकर इस तरीके से लगेंगे। अब हम इसको फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं, आपने सिंपल एक लेनी है ट्रे, कोई सी भी प्लास्टिक की स्टील की कोई भी आपने ट्रे लेनी है। ट्रे के ऊपर आपने रखने हैं जी कबाब की फ़र्स्ट ईयर, उसके बाद आपने एक शॉपिंग बैग या कुछ भी साफ़ सुथरा सा बिछा देना है शीट, उसके ऊपर आपने नेक्स्ट कबाब की लेयर्स रखनी है और उसके बाद आप उसको फ्रीज़ कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने दो लेयर लगाई थी क्योंकि मैं इस टाइम आपको एक ट्रे दिखा रही हूँ। मेरे पास ये काफ़ी क्वांटिटी में बन गए, दो ट्रेज़ मेरे पास आसानी से बन गई थी इस क्वांटिटी के अंदर। बस आप इसको फ्रीज़ कर देंगे और जैसे ही फ्रीज़ होने आप देख सकते हैं वो हार्ड होंगे, आप इसको निकाल के एक दूसरे शॉपिंग बैग के अंदर इकट्ठे भी करके रख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम करते हैं अपने कबाब फ्राई। इसका मेथड बहुत आसान है, मैंने यहाँ पर तवे पर फ्राई करी है। तवा वो है जिस पर हम घर में बनाते हैं जी पराठे, ये रोटियों वाला तवा नहीं है, पराठों वाला तवा है, ये थोड़ा ग्रीसी होता है। इसके अंदर मैंने हल्का सा बस इस पर ऑयल लगाया है और अंडा मैंने फेंटा था, एक अंडा मैंने स्टार्ट में इस्तेमाल किया था इसलिए मैंने वहाँ पे अंडा नहीं शामिल किया क्योंकि मैं यहाँ पे कबाब को फ्राई करूँगी अंडा लगाकर। अंडे में सिंपल आपने अंडे को मिक्स करना है और उसके अंदर कबाब को डिप करना है और उसके बाद आपने हल्के से तेल के अंदर फ्राई कर लेना है, कोई नमक मिर्च आपने नहीं शामिल करना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कितने परफेक्टली कबाब जो थे फ्राई हुए थे। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप इस मिक्सचर को मैश करेंगे तो आपने उसके अंदर से तेज़पात, बड़ी इलायची और दालचीनी, इन तीनों को निकाल देना है ताकि ये तीनों पिस ना जाए और हमारे कबाबों के अंदर इनका फ्लेवर ना आए। तो बस ये थी आज की रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। और ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बीफ तो आजकल हर घर में मौजूद है ईद की वजह से, तो उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी और ट्राई भी कर लीजिएगा, बहुत आसान सी है। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।